हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिप्सार और डिप्सरू एडमिशन 2023 के बारे में। डिप्सार और डिप्सरू में आप लोग कैसे एडमिशन होंगे, उसका फुल प्रोसेस, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल फॉर द एडमिशन 2023, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी डिप्सरू, इनकॉर्पोरेटिंग डिप्सर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट ऑफ द डिप्सरू, पुष्प विहार, इसका एड्रेस दिया है। सो एज यू कैन सी हियर, एडमिशन स्टार्टिंग फॉर्म 22 मई 2023, मतलब 22 मई से लेकर स्टार्ट हो रहा है एडमिशन फॉर द यूजी प्रोग्राम्स। ओके, मतलब अभी से स्टार्ट हो रहा है। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है सबसे पहले देख लो। सबसे पहले है डी फार्मा हमारा, ठीक है, डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, 120 सीट्स है यहाँ पे। मेरिट ऑन एग्रीगेट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। ओके, इफ कैंडिडेट हैज टेकन बोथ मैथ एंड बायो, द बेस्ट ऑफ द टू विल बी कंसिडर्ड फॉर द थर्ड सब्जेक्ट विद आफ्टर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, ये सिमिलर है फॉर द डी फार्मेसी एज वेल एज बी फार्मेसी एज वेल एज बी फार्म इन आयुर्वेदिक साइंस। ये तीनों कोर्स के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बी फार्म आयुर्वेदा का 40 सीट्स है और बी फार्म का 160 सीट्स है यहाँ पे, ठीक है। लैटरल एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं बी फार्म में, जो कि 3 ईयर्स का होता है, 16 सीट अवेलेबल है। और डी फार्म का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी आपका रिजल्ट आया है, जैसे भी आया है, उसके बेसिस पे लिया जाएगा। बात करते हैं एम फार्म की, तो एम फार्म के जितने भी सब्जेक्ट्स है, केमिस्ट्री, सीयूटिक्स, कोलॉजी, क्यूए, रेगुलेटरी अफेयर्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, कोग्नोसी, रेगुलेटरी अफेयर्स, ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है ऑब्वियसली। तो इन सारे का जो आप देख सकते हैं 2 ईयर्स का कोर्स है, आप सीट देख सकते हैं 8, 8, 8, 12, 15, 15, 9, 15, 15। यहाँ पे क्या कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, बी फार्म डिग्री फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय PCI। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इस साल से AICTE जो अप्रूवल है, इज नॉट मैंडेटरी। ओके, आपका बी फार्म कॉलेज अब AICTE अप्रूवल ना भी हो तो चलेगा, सिर्फ मैंडेटरी है PCI अप्रूवल होना चाहिए, विद नॉट लेस देन 55% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। प्रेफरेंस टू GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ GPAT स्कोर, ठीक है। GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जिनका GPAT स्कोर सबसे ज्यादा होगा, GPAT स्कोर के मेरिट को देखते हुए ही दिया जाएगा। अगर वैकेंट रहता है GPAT के अवेलेबिलिटी के बाद भी, वैकेंट सीट्स कुछ रहता है, तो नॉन GPAT स्टूडेंट्स को वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। नॉन GPAT स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे ग्रेजुएशन, मतलब बी फार्म का जो मार्क्स है वो देखा जाता है, ठीक है, फॉर द एडमिशन। फॉर दैट द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेंड इन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर और थर्ड टू लेकर लास्ट सेमेस्टर ऑफ द बी फार्म। ओके, फर्स्ट ईयर का नहीं देखा जाता यहाँ पे। और एग्जीक्यूटिव एम फार्म जो है, फॉर द एम फार्म इन RA रेगुलेटरी अफेयर्स, सॉरी एम फार्म इन ड्रग रेगुलेटरी साइंस, जो कि 2 साल में 10 सीट्स इसका अवेलेबल है। बी फार्म द मैरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर सिमिलर है यहाँ पे, एंड ऑल्सो इन एक्सपीरियंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक CDSCO और स्टेट FDCA। कैंडिडेट मस्ट बी इन सर्विस, जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, दूसरे प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे है प्रोग्राम्स इन फिजियोथेरेपी और मेडिकल साइंस, BPT, MPT, दो कोर्स ही अवेलेबल है। स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन में अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये 4.5 ईयर्स का और ये मास्टर्स 2 ईयर्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे 50-50 सीट्स है, 50 एंड यहाँ पे 5 करके हर एक सीट में। यहाँ पे आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो डिप्सरू को खुद कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी UG के लिए सिमिलर है बी फार्म जैसा ही। DMLT, BMLT दोनों कोर्स अवेलेबल है, 60 एंड 60 करके सीट्स है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो दोनों ही कर सकते हो, दोनों के लिए सेम है यहाँ पे बी फार्म जैसा ही। ओके, बात करते हैं स्पोर्ट्स साइंस में BSc यहाँ पे, बायोमेडिकल साइंस में BSc है, जो कि 3 ईयर्स कोर्स है। ये सारे जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा UG के लिए, सारा कुछ सिमिलर होगा। ओके, प्रोग्राम्स ओपन टू बेसिक फार्मेसी और बी फार्म एंड मेडिकल साइंस लाइक BDS, BSc, नर्सिंग, जो सारे लोग कर सकते हैं। मतलब आफ्टर बी फार्मेसी एज वेल एज BDS, BSc, नर्सिंग, BPT, MBBS, सारे लोग इसके बाद ये सारे कोर्स कर सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स, आप लोग भी बी फार्म के बाद ये सारे चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MSc इन स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, ये अभी फिलहाल बहुत हाई ग्रो पे होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI इन मेडिसिन सिस्टम, 2 साल का ये MSc है, 15 सीट्स है, यहाँ पे 20 सीट्स है। ओके, आपका ग्रेजुएशन चाहिए बस साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और वेटनरी और मेडिकल साइंस पे, सिमिलर है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए आपका स्टेट नेशनल लेवल पे आपका एथलेटिक्स होना ये मैंडेटरी है। और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, ये भी बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, इसके लिए भी सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है ना। प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट, प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट तो BBA है यहाँ पे हेल्थ केयर में, MBA इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, फार्मा मैनेजमेंट पे MBA अवेलेबल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी लोग करते हैं। तो यहाँ पे सीट्स भी आप लोग देख सकते हो। इसके लिए जो MBA है उसके लिए आपका बी फार्मा चाहिए या फिर BSc लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स।
देर इज नो स्कॉलरशिप फॉर द जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, ओके, बाकी का भी आप सब देख सकते हो। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन मार्क्स, सब्सिक्वेंट ग्रुप डिस्कशन GD एंड पीयर राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडमिशन के अदर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेंगे स्कीड्यूल क्या है, स्कीड्यूल यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो एज यू कैन सी द एडमिशन प्रोसेस फॉर द डी फार्म और फर्स्ट ईयर BMLT फर्स्ट ईयर एंड ऑल द अदर्स जो कि 22 May से स्टार्ट हो रहा है, बी फार्म BPT, बी फार्म आयुर्वेदिक, BBA, BSc, बायोमेडिकल, इन सारा जो UG कोर्सेस है उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 22 May 2023 से। अगर आप लोग लैटरी एंट्री बी फार्म के देखोगे तो वहाँ पे 3/7/2023 और अगर MBA, MPharm एंड अदर MSc टाइप्स के जो मास्टर्स के हैं वो 3/7/2023 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन दिया है 16/6/16/6, 21/7/21/7, ठीक है, डेट्स याद रखना। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट होगा उसके बाद, फिर एडमिशन स्टार्ट होगा इस राउंड के अलावा, ठीक है। तो ये है डेट्स, एक्चुअली इंपॉर्टेंट डेट्स 23-24। यहाँ पे आपको फीस से लेकर कोर्सेज, उसके एलिजिबिलिटी, जो जो मैंने अभी तक बताया सारा कुछ आपको अगेन देखने के लिए एकदम फुल डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि किस पे क्या क्या कोर्सेज है, आप सारे को यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। सर्टिफिकेट भी, कोर्सेज भी कुछ कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेडिसिन मैनेजमेंट, स्पोर्ट असेसमेंट, ब्यूटी क्लीनलेस कंसल्टेंट, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है। इसके अलावा भी जितने कोर्सेज है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया विथ देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर हम लोग बात करें एम फार्म एडमिशन की, तो एम फार्म एडमिशन में जो सीट्स के डिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्सरों के लिए, ठीक है, क्योंकि एम फार्म एडमिशन पे यहाँ पे GPAT, नॉन GPAT, दिल्ली नॉन दिल्ली, ठीक है, और डिप्सर नॉन डिप्सर, ये स्टूडेंट्स में डिवीजन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो। लेकिन इसके लिए मैं अगेन डिटेल वीडियो बनाऊंगा बस इसी टॉपिक पे ऊपर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पूरा दिया है डिप्सरू GPAT 70%, नॉन डिप्सरू GPAT, ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है इसके ऊपर पर्टिकुलरली एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे डिवीजन होता है, यहाँ पे 70% और यहाँ पे 15%, टोटल मिला के पे दिल्ली पे 85%, लास्ट में सब कुछ मिलेगा 15% नॉन दिल्ली नॉन GPAT को। तो ऐसे होता ही है कि सीट डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना आप। बाकी कैसे मेरिट लिस्ट आएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल द डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ इन शॉर्ट। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर द एडमिशन पर्पस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो डी फार्म बी फार्म और ये सारे किट की कौन कौन से, सारा कुछ एक्चुअली में चाहिए आपका, 10th से लेकर 12th माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल का हो या कॉलेज का, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लास्ट अटेंडेड, अगर कोई गैप है आपके स्टडी के बिटवीन तो उस गैप के लिए पर्टिकुलर आपको गैप सर्टिफिकेट, कैसे गैप सर्टिफिकेट बनाओगे इसके ऊपर मेरा वीडियो है, आप लोग सर्च कर लो यूट्यूब पे कि गैप सर्टिफिकेट देन बीइंग फार्मासिस्ट, तो आ जाएगा मेरा वीडियो, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट फॉर द OBC कैंडिडेट्स, ये भी इन केस ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर एवरीवन, बट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट ये दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल द अदर डिटेल्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे दिया है, GPAT स्कोर कार्ड जिनके लिए GPAT इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। फीस स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। As you can see, the tuition fee for the D pharmacy is 10,000, DMLT 10,000, B farm and M farm है 30,000 and 40,000, and executive के लिए है 50,000 and 75,000, ये tuition fees है, okay? तो अगर आप लोग M farm की देखोगे तो 40,000, okay? 40,000 into आपको 4 semester लगेगा ये, right? तो fees to be paid at the time of admission and at the beginning of every 3rd, 5th and 7th semester, etc. etc. ऐसे ऐसे आपको देना पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी जनरेटेड फंड है, और इसके साथ साथ ये जो सारे हैं ये भी आपको देना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी नॉन गवर्नमेंट फंड अकाउंट पे देना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर है, 10th, 4th, 6th, 8th, जैसे जैसे आपका है वो आप, वैसे आपको देना पड़ेगा। जैसे कि एम फार्म के लिए 40,000 एंड बी फार्म के लिए 30,000, तो 30,000 आपको देना पड़ेगा फॉर द रेस्ट ऑफ जितने भी सेमेस्टर है, लाइक 2nd semester, 4th semester, 6th semester, 8th semester, ओके। और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए या फिर फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन फीस का है, रेगुलर एग्जाम फी है 4,000 सेमेस्टर पर एनुअल, इसके साथ साथ हॉस्टल फीस एंड अदर डिटेल्स, अदर जो फीस है वो भी आप लोग देख पाओगे, हॉस्टल का सिक्योरिटी फीस क्या है, मेस चार्जेस क्या है, सारा कुछ डिटेल्स आपको, एंड रिफंड ऑफ द फीस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीस देने के बाद रिफंड का क्या पॉलिसीज एक्सेट्रा, ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिफंड पॉलिसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक कि हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड फिलअप करेंगे। सबसे पहले तो आपको लिंक ये जो दिया है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, देन साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है, देन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फीस पेमेंट करना है, उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना होगा, कोर्स सिलेक्शन या फिर कोर्स प्रेफरेंस जो है एकदम लास्ट में होगा, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद जैसे कि आप लोग सिलेक्ट करोगे तो ऐसे आ जाएगा, एप्लीकेशन आईडी आपका दिखाएगा ऐसे, एप्लीकेशन आईडी आपका ऐसे दिखाएगा, कोर्स नेम UG,
एप्लीकेशन स्टेटस से फिट आप यहाँ पे व्यू पे ऐड करोगे, ठीक है, कोर्स हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे जाओगे, फिर उसके बाद सर्च करोगे यूजी प्रोग्राम, सपोज बी फार्म में, तो यूजी सेलेक्ट करोगे या फिर पीजी, उसके बाद बी फार्म सेलेक्ट करोगे, उसके बाद डिप्सर या डिप्सर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ऐड पे क्लिक करोगे, तो ऐसे आपका आ जाएगा जो प्रेफरेंस का लिस्ट है। जैसे कि पहले यहाँ पे डी फार्म दिया है, देन डीएमएलटी दिया है, देन बी फार्म दिया है, ऐसे ऐसे करना होगा, फिर सेव करना होगा। सेव करने के बाद प्रिंट एंड प्रीव्यू करोगे तो पूरा हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। दिस इज द ऑल प्रोसेस फॉर द डिप्सर एंड डिप्सर। अब इसके रिलेटेड कुछ और भी आपका क्वेरी होगा तो प्लीज़ फ्रीली आस्क मी, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो जाके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।